तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप देख रहे हैं चेतन टेक्निकल पॉइंट। तो आज मैं बताऊंगा अपनी एंड्रॉयड टीवी में और एमआई टीवी में क्रोमकास्ट कैसे करते हैं। और इसके लिए आपको जाना होगा पहले वाईफाई पे और आपको अपना वाईफाई ऑन कर लेना होगा। जिस मोबाइल से आप कास्टिंग करना चाहते हो उसे आपको कनेक्ट कर लेना है। फिर आपको जाना होगा सेटिंग पर। सेटिंग में जाने के बाद आपको डिवाइस में जाना होगा और आपको उसमें देखना होगा आपका क्रोमकास्ट बिल्टिन है कि नहीं। अगर आपका क्रोमकास्ट बिल्टिन है तो सही है, और क्रोमकास्ट एंड्रॉइड सेल है तो आपको उसे अपडेट करना होगा। प्ले स्टोर से अपडेट हो जाएगा ये दोस्तों। तो आगे का प्रोसेस मैं बताऊँगा आपको मोबाइल में। दोस्तों आपको मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर खोल लेना है और आपको गूगल होम ऐप डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप गूगल होम ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको इस ऐप का कुछ इस तरह इंटरफेस दिखाई देगा। और आपको भी अपना हॉटस्पॉट चालू कर लेना है जो आप टीवी में कनेक्ट है, जैसे आप देख सकते हो। तो आपको थोड़ी देर बाद ही आपकी टीवी का नाम आ जाएगा। फिर आपको कुछ इस तरह इंटरफेस दिखाई देगा। आप नीचे की तरफ देख पा रहे होंगे कास्ट माई स्क्रीन वाला ऑप्शन, उस पर आपको क्लिक करना है और कास्ट स्क्रीन पर सेलेक्ट करना होगा। जैसे आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आपकी कास्टिंग शुरू हो जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ से वॉल्यूम सब सेट कर सकते हैं। तो आप मैं अपनी टीवी में दिखाता हूँ ये किस तरह शो होती है। तो दोस्तों आप जैसा कि देख पा रहे हैं ये काफ़ी अच्छी तरह वर्क करता है और बिल्कुल लेकिंग आपको नहीं दिखाई देगी। कई कई बार आपकी टीवी बहुत स्लो चलती है और आपका मोबाइल काफ़ी तेज चलता है, और जैसे कि ऐसा इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और अच्छी से स्क्रीन कास्ट कर रहा है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके हमें बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको एंड्रॉइड टीवी से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और नई वीडियो के लिए हमारी चैनल के बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।